प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक दूसरे से जुड़े हैं भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान। देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तो बंगाल की पीढ़ियों ने समर्पित किया खुद का जीवन। देश में कोविड 19 की दैनिक जांच क्षमता बढ़कर 15 लाख हुई। अब तक 16 करोड़ 15 लाख नमूनों की हो चुकी है जांच। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा ढांचागत जांच क्षमता को दिया जा रहा है बढ़ावा। कई किसान प्रतिनिधि मंडलों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के समर्थन में देश के 3,13,000 से अधिक किसानों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र सौंपा। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार हो रही है कम। 2,83,000 मामले सक्रिय, 96,93,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से हो चुके हैं स्वस्थ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, संसद द्वारा बनाए गए 3 प्रगतिशील कृषि कानून देश में सुशासन के महत्वपूर्ण बेंचमार्क। कृषि क्षेत्र में सुधारों से आएगी पारदर्शिता, इंस्पेक्टर राज होगा समाप्त। खालिस्तानी आतंकवादी गुरजीत सिंह निज्जर दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार। निज्जर साइप्रस में छुपा हुआ था आतंकी। देश भर में आज मनाया जा रहा है उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता को उनके अधिकारों के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित करता है ये दिन। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद भारत के कई राज्यों में बरती जा रही है अतिरिक्त सतर्कता। 40 देशों ने ब्रिटेन से आवागमन पर लगाए प्रतिबंध। अब खबरें खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मेलबोर्न में। अजिंक्य रहाणे संभालेंगे टीम की कमान। अरुणाचल प्रदेश व असम में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 917 किलोमीटर इस अभियान की दिखाई हरी झंडी।